हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक्सक्रीशन के बारे में। अभी तक मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपसे बात किया है ब्रीथिंग के बारे में, आपसे बात किया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। उन न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते वक्त जब वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं तो जिन चीजों से वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं उन्हीं चीजों से कई दफे उनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ सकता है, या फिर उन्हीं प्रोडक्ट से जब वो फूड डाइजेस्ट होगा तो उन्हीं प्रोडक्ट से कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी अपने पास रखना नहीं चाहती। और जिन चीजों को हमारी बॉडी अपने पास नहीं रखना चाहती, हमारी बॉडी उसे चाहती है कि उसे एक्सक्रीट कर दे। इसी तरीके से जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली जब हम लोग एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल के केसेस में ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नो डाउट और भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका स्वेटिंग हो गया, वाटर हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयंस हो गया, दिस ऑल आर वेस्ट प्रोडक्ट। ये सभी के सभी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो हर एक एनिमल के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि सभी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होता है जिसको उनकी बॉडी हमेशा बाहर की तरफ एलिमिनेट करेगी। दरअसल ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो आपकी बॉडी या किसी भी ह्यूमंस की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स को ले लो, रेप्टाइल्स को ले लो, हर किसी में ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं कि डिफरेंट तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर मान लो यूरिया है, यूरिया तो होती है, लेकिन यूरिया के साथ प्रॉब्लम यह कि वो हमारी ब्लड में होती है। अब हमारी ब्लड से उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब ब्लड से फिल्टर करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म होती है। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म रन करती हैं उनके खुद के नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। जब हम लोग बात करते हैं अमोनिया की तो अमोनिया इनमें से सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट माना जाता है, और शायद इसीलिए अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अमाउंट में वाटर कंज्यूम करना होता है, वह वाटर लगता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास अमोनिया है तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए उसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए ज्यादातर अमोनिया वाले, जो भी अमोनिया लिबरेट करने वाले एनिमल्स हैं, जो भी अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं, वो जनरली ज्यादा वाटर होने, ज्यादा वाटर के कंजप्शन के कारण वो जनरली एक्वाटिक होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं फिश की, जब बात करते हैं या किसी भी एक्वाटिक एनिमल की बात करें, जनरली वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो मेनली बोनी फिशेस जो होती हैं, या एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, जो भी एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं, उन सभी के अंदर अमोनिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उसे जनरली हम लोग अमोनोटेलिक के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसी तरह से जब हम दूसरी बातें करते हैं तो दूसरी बातों में आपकी यूरिया आती है। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, वो उतना टॉक्सिक भी नहीं होता, उतना खराब, उतना अच्छा भी नहीं, उतना खराब भी नहीं, मतलब एक मीडियम टॉक्सिक लेवल का एलिमेंट होता है। और इसको बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूरिया को रिलीज करने वाले जनरली आपके मैमल्स हैं और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर भी हमें यूरिया देखने को मिलती है, साथ में बहुत सारी फिशेस के अंदर भी हमको यूरिया देखने को मिलती है। तो यूरिया का भी एक्सक्रीशन जनरली हमारे कुछ फिशेस करती हैं, कुछ एम्फीबियंस करते हैं और मैमल्स करते हैं। तो ज्यादातर मोस्टली मैमल जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेन है जिसे जनरली हम लोग किडनी कहते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। जब हम लोग बात करते हैं यूरिया की तो यूरिया कहीं और से नहीं आता, वही अमोनिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फूड को कंज्यूम किया। जब आप किसी भी फूड को कंज्यूम करते हो, स्पेशली ऐसे फूड जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो, जैसे कि पल्सेस की बात अगर मैं करता हूं, तो उससे जो अमोनिया होती है वो आपकी बॉडी के अंदर आएगी, और उसी अमोनिया से आपकी बॉडी के अंदर लीवर में जो है वो सिंथेसिस होती है यूरिया की। किसकी सिंथेसिस होती है? यूरिया की। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम जिसे एलिमिनेट करते हैं वो होता है आपका
कौन? वो होता है आपका यूरिया। व्हाई? क्योंकि अमोनिया जो है वो ज्यादा टॉक्सिक तो था, लेकिन अमोनिया का कन्वर्जन किसमें हो गया? यूरिया में हो गया। तो अब अमोनिया तो हमारी बॉडी में है नहीं उतना, तो जिससे टॉक्सिसिटी उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है, जिसका हमारी बॉडी में लीवर पे ही वो रह जाता है, मतलब उसके आगे उसका कोई भी रोल नहीं होता, वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। जो हार्मफुल कंपोनेंट है यूरिया, हमारी बॉडी उसे ब्लड के थ्रू लेकर के जाती है किडनी में, और किडनी से उसे बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देती है। तो जो भी यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जनरली हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। एंड द थर्ड पोजिशन इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लेस टॉक्सिक और ये कम वाटर को यूटिलाइज करते हैं बाहर निकालने के लिए, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो जनरली जब हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की, हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, हम लोग बात करते हैं स्नेल की, तो इन सभी के अंदर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड जो होता है, ये यूरिक एसिड हमेशा ये ऑर्गेनिज्म अपने सॉलिड फीकल एलिमेंट के साथ में मिक्स करके बाहर निकालता है। जैसे हम है ना, हमारे अंदर सॉलिड वेस्ट के लिए अलग रास्ता है, एनस है, उससे बाहर निकलता है, और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन हमारे पास में यूरिन को बाहर निकालने का रास्ता अलग है, सॉलिड वेस्ट को फीकल एलिमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अलग है। बट इन द केस ऑफ बर्ड या रेप्टाइल्स, कई रेप्टाइल्स है, स्नेल है, उनके पास में एक ही रास्ता है। उसी एक रास्ते से वो अपने सॉलिड वेस्ट को और अपने यूरिन को उसी रास्ते से एक साथ मिक्स करके बाहर निकालते हैं। वो पिलेट के फॉर्म में हो सकता है, वो आपके पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। जनरली जो आप लोग देखते हो वो आप लोग को पता होगा। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम लोग जनरली यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट, सभी के अंदर, सभी ऑर्गेनिज्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे। एंड ये नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहां से? ये नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं आपके अमीनो ग्रुप से, और ये अमीनो ग्रुप जनरली हमारी जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? वो प्रेजेंट होती है हमारे प्रोटीन्स वगैरह में, जिसका कंजप्शन हम सभी करते हैं। ऐसी बात नहीं हम सभी नहीं करते, हम सभी प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, और जब भी प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उसमें अमीनो ग्रुप होगा, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनना ही बनना होता है। जब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ चलते हुए, तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये तो हो गई बात मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, वर्टिब्रेट्स की, लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। जिस तरीके से वर्टिब्रेट्स एक मैमल है और उनके अंदर यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सभी चीजें रिलीज हो रही थी, उसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में भी, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर किडनी होता है, बर्ड्स के अंदर किडनी होता है, तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपका अलग तरीके का, वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर अलग ऑर्गन्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उनके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो उनके बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसी में सबसे पहला नाम आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या अमीबा की अगर हम बात करें, या फिर हम पॉलीफेरा की बात करें, या हम सिलेंट्रेटा की बात करें, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म जनरली वाटर में रहते हैं, और इनकी सेल से डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आपका अमोनिया है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब आपके अमोनिया के साथ अच्छे खासे अमाउंट में वाटर मौजूद हो। जैसा कि मैंने कहा कि जहां अमोनिया मौजूद होगा वहां पे अच्छे खासे अमाउंट में वाटर भी मौजूद होगा, क्योंकि अमोनिया के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं वो जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। तो यहां पे जो अमोनिया है वो क्या काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनकी बॉडी के बाहर निकलता है। जैसे यहां पे नाम दिया गया पेलिकल, पेलिकल जो बिल्कुल किनारे की तरफ मेम्ब्रेन होती है उससे वो बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जनरल तौर पर पॉलीफेरा के अंदर, और क्या बताया मैंने आपको, अमीबा के अंदर, या आप पैरामीशियम की बात करेंगे, यूग्लिना की बात करेंगे, तो उनमें डायरेक्टली बॉडी से वो बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है। जबकि वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं टैनोफोरा की, तो टैनोफोरा के अंदर एनल पोर्स होते हैं, एनल पोर्स के थ्रू अमोनिया बाहर निकलती है। टैनोफोरा भी जनरली एक्वाटिक हैं, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथीज की, तो प्लैटीहेलमिंथीज या फ्लैटवॉर्म के अंदर प्लानेरिया, फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, इन सभी के अंदर एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया
या फिर फ्लेम सेल कहते हैं। ये फ्लेम सेल जनरली जो होते हैं वो अमोनिया वेस्ट को ही बाहर निकालते हैं, और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो एनिमल किंगडम में बताया हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे रोटिफर की, तो उसके अंदर भी आपको फ्लेम सेल देखने को मिलता है, वहां भी एक प्रोडक्ट आपका अमोनिया और यूरिया होता है। जब हम लोग बात करते हैं एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स या एस्कैरिस मेल एंड फीमेल, उनके अंदर आपको एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे जनरली हम लोग मेटानेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। ये जनरली आपको नेरिस के अंदर और लीच के अंदर देखने को मिलता है, जिसको मैंने वहां पे आपसे अलग से ग्रुप में बात किया है नेफ्रीडिया वगैरह के बारे में या नेरिस के बारे में। ये भी अमोनिया को ही रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी अभी इंसेक्ट के बारे में बताया। इंसेक्ट जो होते हैं वो अमोनिया भी रिलीज करते हैं और वो यूरिक एसिड भी रिलीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो अमोनिया रिलीज करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो यूरिक एसिड भी रिलीज करते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसका नाम है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, जिनके बारे में मैंने डिटेल में आपसे बात किया है। उस वीडियो को मैं यहीं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होती है, कॉक्सल ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है और एंटीनरी ग्लैंड होती है। ये सभी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन की तरह काम करते हैं। अगला नाम आता है मोलस्का की। मोलस्का की बात करें तो उसके अंदर रेनल ग्लैंड या फिर ऑर्गेन ऑफ वोजेनस प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली पाइला और यूनियो, पाइला एंड यूनियो ये दोनों मोलस्का फैमिली के ही मेंबर हैं, मोलस्का फाइलम के मेंबर हैं। और कैबर ऑर्गेन मौजूद होता है यूनियो के अंदर, जिससे कि ये अमोनिया को या यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के पास में ट्यूब फीड होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया इनमें ट्यूब लाइक फीट होते हैं, जिसको जनरली हम लोग पोडिया भी कहते हैं। ये उनके थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। साथ में कई के अंदर आपको जो है थिन वॉल ऑफ गिल्स देखने को मिलती है या ब्रोंकाई देखने को मिलते हैं, जिससे ये अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि ये वो उन ऑर्गेनिज्म के चार्ट आपके सामने है जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग ऑर्गेन के थ्रू रिलीज करते हैं। आप इन सभी चीजों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता हो। अब हम यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम को मेंशन कर रहे हैं, इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप इंसेक्ट को देखिए, तो इंसेक्ट के अंदर आपको मैल्पिगियन ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल कुछ नहीं करते, इंसेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट के अंदर पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। उन्हीं हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होता है सॉल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर, जिन्हें ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल उस हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके उसे हिंडगट तक पहुंचाती है, और हिंडगट के बाद वो जो है बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। उसी तरह जब आप देखते हैं किसके अंदर, जब आप देखते हैं फेसियोला के अंदर, तो फेसियोला के अंदर आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इनकी बॉडी वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन्हीं बॉडी वॉल के पोर से ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। अगर वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं तो अमोनिया को ये उसी पोर के थ्रू बाहर निकालते हैं। उसी तरह जब हम बात करते हैं फिशेस के अंदर, तो फिशेस के अंदर भी आपको गैस ब्लैडर यूरेटर दिख रहा होगा, यूरेटर दिख रहा होगा, और वही जो यूरेटर होता है उसका पोर बाहर की तरफ खुला होता है, जिसे हम लोग जनरली यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिनरी पोर होता है, वहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको अलग अलग तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का मैकेनिज्म दिखाई देता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो अब बहुत ध्यान से आप चीजों को सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन यूनिट होता है, जिसे कि हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी जो होता है वो जनरली हमारे बॉडी के अंदर पेयर शेप का होता है, बीन शेप का होता है और पेयर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर का किडनी जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये किडनी इतने कमाल के स्ट्रक्चर होते हैं कि सोचिए अगर किसी इंडिविजुअल की किडनी खराब हो जाए तो उसको इतनी बड़ी डायलिसिस मशीन लगानी पड़ती है उसी प्रोसेस को करने के लिए कि आप सोचिए ना। ये किडनी वो स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्लड से यूरिया को फिल्टर ही नहीं करेगा, साथ में फिल्टर करने के साथ में हमारे ब्लड को प्योर कर देगा, उसमें जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो बची रह जाएंगी, केवल और केवल यूरिया ही बाहर निकलेगा।
जबकि हम सब जानते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका शेप साइज यूरिया जैसा ही होता है, लेकिन हमारी किडनी के पास में ये स्पेशलिटी होती है कि वो यूरिया को ही बाहर करेगी, बाकी प्रोडक्ट को नहीं। अब इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए सबसे पहले आपको किडनी के कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम लोग बात करते हैं किडनी की, तो किडनी को ध्यान में रखने के लिए पहले उसके हम लोग बैकबोन वाली पोजीशन को समझ लेते हैं। दरअसल जब हम लोग बैकबोन वाली पोजीशन को देखते हैं तो हमारा थोरैकिक कैविटी होता है। थोरैकिक कैविटी के बाद में जो नीचे की तरफ जो बोन होती है उसको हम लोग लुम्बर कहते हैं। लुम्बर में थर्ड लुम्बर या थर्ड लुम्बर वर्टिब्राई के पास में ये सिचुएटेड होती है आपकी किडनी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें एब्डोमिनल कैविटी में जैसे ऊपर की तरफ जो बोन है वो क्या है, थोरैकिक, उसके नीचे लुम्बर, तो लुम्बर के तीसरे नंबर वाले पे किडनी जो होती है वो सिचुएटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। और इसी कैविटी में जो कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ छोर पे स्ट्रक्चर होता है, उसी को जनरली हम लोग हिलम कहते हैं। और उसी हिलम वाले पोर्शन में मौजूद होता है पेल्विस। पेल्विस वो रीजन है जहां पे सारी यूरिन फिल्टर होने के बाद आकर के इकट्ठा होगी, ताकि वो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर क्या है, वो पतली सी पाइप है जिसको यूरेटर कहते हैं, उस यूरेटर के थ्रू एक यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो। लेकिन उसके पहले आप समझिए, जब आप किडनी के सेक्शन को कट करते हो तो किडनी में दो रीजन दिखाई देते हैं। एक ऊपर वाला रीजन होता है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक थोड़ा नीचे का रीजन होता है जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला में लाखों की संख्या में मौजूद होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो यूनिट है किडनी की जहां पे जाकर के आपका यूरिन फिल्टर होना है। रिमेंबर, एक नेफ्रॉन नहीं होती है, आपको मैकेनिज्म एक ही नेफ्रॉन की बताई जाएगी, लेकिन ऐसी कई नेफ्रॉन्स मिल करके आपकी किडनी में यूरिन को फिल्टर करती हैं। और जब यूरिन फिल्टर होता है तो यूरिन फिल्टर होने के बाद पेल्विस में इकट्ठा होता है, और पेल्विस में इकट्ठा होने के बाद वो पहुंचता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में वो किसके थ्रू पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यूरेटर के थ्रू। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब वो पहुंचेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में तो वहां से यूरेथ्रा में आपकी यूरिन जाएगी और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे ह्यूमन किडनी के बारे में या ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के बारे में। 3D वीडियोस रहेगा, मिस मत करिएगा, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कित मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में। अगर हम यहाँ पे किडनी के बारे में आपसे बात करें तो ह्यूमन की किडनी एक काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसके बारे में उतनी डिटेल में बात करने जाऊं तो आइए पहले हम छोटी सी कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को बाहर निकालता है, ब्लड से फिल्टर करता है या ब्लड से बाहर निकालता है, उसके लिए उसको मदद पड़ती है किडनी की। तो किडनी को समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको 1 pair ऑफ किडनी जो है वो देखने को मिलती है, मतलब एक पेयर किडनी आपको देखने को मिलती है, मतलब कि दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। उन्हीं किडनी से ओरिजिनेट है, उन्हीं किडनी के एकदम एक पोर्शन से जहां पे हिलम मौजूद होता है उसी पोर्शन से जो होता है निकला होता है आपका यूरेटर। यूरेटर उस पोर्शन से जो है वो निकला हुआ होता है, और वो यूरेटर जाकर के बाइंड करता, मतलब वो यूरेटर जो है जाकर के जुड़ा होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है आपका यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है हमारे पास में, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है अटैच होता है आपका यूरेथ्रा, जिसके थ्रू आपकी यूरिन जो है किडनी से फिल्टर होने वाली जो यूरिन है वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी अदर प्रोसेस हैं जिसको हम लोग अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने किडनी के पोजीशन के बारे में। अगर हम किडनी के पोजीशन की बात करो तो उसको आप अपने वर्टिब्रा से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लंग्स को देखा था कि लंग्स हमारी जो सिचुएटेड होती है वो थोरैकिक वर्टिब्रा के सामने होती है, मतलब दैट इज अ थोरैकिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ होती है, और उसके आगे क्या होती है, लंग्स होती है, ठीक है। थोरैकिक वर्टिब्रा मतलब जहां तक आपका लंग्स है, हार्ट है, वो थोरैकिक वर्टिब्रा में होती है। और थोरैकिक वर्टिब्रा के जब आप नीचे आएंगे जहां से बोन शुरू होती है, लुम्बर बोन शुरू होती है, लुम्बर वर्टिब्रा शुरू होती है, तो लुम्बर वर्टिब्रा नंबर 3 के आसपास में जो है वो आपको किडनी सिचुएटेड जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कुछ भी चीजें जो है वो भूलनी नहीं है। इसका वेट तकरीबन आपसे 120 से 170 ग्राम हो सकता है। अब आप बोलोगे सर वेट का क्या लेना देना है, देखो क्या होता है कि हमें कई ऑर्गन्स के वेट को जानना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें ऑर्गन्स के वेट को देखते हैं वो लोग, क्योंकि अगर ऑर्गन्स का वेट कहीं ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है वहां पे कैंसर हो सकता है, हो सकता है कोई और डिजीज हो जाए, तो डिजीज होने पे कभी कभी वेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं।
तो डॉक्टर उससे भी पता लगा लेता है कि आपके किडनी वगैरह में अबनॉर्मलिटी है। तो इसीलिए हमें वेट के पैरामीटर को भी जानना चाहिए कि वेट हमारा 120 टू 170 है, दैट इज अ नॉर्मल किडनी का वेट, इतना हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा या कम हो रहा है, इट मीन्स आपके किडनी के अंदर जरूर कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। जब हम लोग किडनी के अंदर आते हैं तो किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा कॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर होता है। उस कॉनकेव शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग हीलम कहते हैं, मतलब कॉनकेव शेप के जहां स्ट्रक्चर होता है, जहां से यूरेटर बाइंड करता है, उसी एरिया को हम लोग जनरली हीलम का नाम देते हैं। और हीलम के पास में ही आपका मौजूद है यूरेटर। क्या होता है यूरेटर? और यूरेटर के जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब कि किडनी के अंदर यूरेटर के जस्ट अपोजिट साइड में किडनी के अंदर आपका एक बिल्कुल खाली सा रीजन होता है, जिसे हम लोग जनरली पेल्विस कहते हैं। पेल्विस वो रीजन है जहां पे यूरिन फिल्टर होने के बाद आकर के इकट्ठा होगी और वो यूरेटर में आएगी। मतलब पेल्विस एक जंक्शन है जो आपके नेफ्रॉन से, जो आपकी किडनी से फिल्टर हुए यूरिन को यूरेटर में पहुंचाने का काम करती है। तो आप इसको एक तरीके से ये बातें भी जो है वो जनरली आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है कि आपकी किडनी में इस तरह की चीजें जो है वो परफॉर्म होती है। अब हम आते हैं किडनी के थोड़े इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब आप किडनी को देखते हो तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको जो है एक पहले तो किनारे किनारे का पूरा स्ट्रक्चर देखने में, मतलब किडनी को जब आप देखते हो तो किडनी के जो किनारे किनारे का पोर्शन होता है वहां अंदर, मतलब किडनी के अंदर एक किनारे, मतलब जो पेरिफेरी में जो पोर्शन होता है उसे जनरली हम लोग कैलिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सॉरी, कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। और किडनी के जो इनर साइड होता है, मतलब थोड़ा सा अंदर साइड, मतलब कॉर्टेक्स के नीचे साइड की तरफ जो साइड होता है उसे जनरली हम लोग नाम देते हैं मेडुला। तो किडनी के जो ऊपर साइड होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? उसे हम लोग नाम देते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी के जो बीच साइड होता है उसे हम लोग नाम देते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के अपने अपने इंपॉर्टेंट से रोल होते हैं। नेफ्रॉन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। अब किडनी के अंदर जो भी ब्लड वेसल आता है, तो जब किडनी में कोई ब्लड वेसल आता है ना, तो वो आता है आर्टरी के फॉर्म में। और किडनी के अंदर आने वाली आर्टरी को हम लोग जनरली रेनल आर्टरी कहते हैं, क्योंकि किडनी का दूसरा नाम हम रेनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किडनी के अंदर अगर कोई आर्टरी आ रही तो वो रेनल आर्टरी है। और वो रेनल आर्टरी जब आपके कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचती है तो वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। और आर्ट्रियोल के बाद में जब वो नेफ्रॉन के अंदर पहुंचती है, नेफ्रॉन क्या होता है वो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, तो कैपिलरी में कन्वर्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे एक आपको बेसिक सा एग्जांपल देखने को मिलता है। आप जितने ज्यादा छोटे स्ट्रक्चर के अंदर घुसते जाएंगे, कैपिलरी की जो ब्लड वेसल है उनकी साइज भी छोटी होती चली जाएगी। मतलब जब किडनी एक बड़ा स्ट्रक्चर था तो जब उसके अंदर कोई ब्लड वेसल आई तो वो ब्लड वेसल क्या थी? वो आपकी रेनल आर्टरी थी। लेकिन जब वो थोड़ा सा किडनी के अंदर गई और छोटी छोटी सेल्स के पास जाना था तो वो बदल गई आर्टरियोल में, और आर्टरियोल के बाद किस में बदल गई? तब वो बदल गई आपकी कैपिलरी में। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि हमारी हमारी किडनी के अंदर कौन कौन से पोर्शन जो है वो मौजूद होते हैं। अब किडनी में क्या होता है कि जब आप किडनी को बहुत ही ध्यान से देखें, किडनी को जब आप ध्यान से देखते हैं तो किडनी में आपको बहुत सारी मेडुलरी पिरामिड्स देखने को मिलती हैं, जो ऐसे पैचेस पैचेस में आपको देखने को मिल रही है, दैट इज अ मेडुलरी पिरामिड होता है। रेनल कॉलम भी बोल सकते हैं या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी का भी नाम दे सकते हैं। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जनरली एक कॉर्टेक्स वाला रीजन था और वो मेडुला वाला रीजन, तो मेडुला वाले रीजन में आपको जनरली ये चीजें देखने को मिलती हैं। वही रीजन जहां पे मेडुला वाला रीजन होता है उसी रीजन में आपको देखने को मिलता है क्या पता है? आपको उसी रीजन में देखने को मिलता है नेफ्रॉन। क्या देखने को मिलता है? नेफ्रॉन। और ये एक नेफ्रॉन नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने पहले बताया कि हमारी किडनी है, किडनी में सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका कॉर्टेक्स है, बीच वाला पोर्शन आपका जो है वो मेडुला, मतलब नीचे वाला उस किडनी और कॉर्टेक्स के नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं अगर मैं पूरी किडनी की बात करूं तो। जनरली मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि आप जिस नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे वो एक नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, मतलब जो फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे ना आप यूरिन का, वो केवल और केवल एक नेफ्रॉन का पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं जो मिल करके आपकी पूरी किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगी। ठीक है, तो हम जनरली पढ़ेंगे एक नेफ्रॉन का मैकेनिज्म, लेकिन वो बहुत सारे ऑपरेट उसी तरह से होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब हम लोग नेफ्रॉन में आ जाते हैं। जब हम नेफ्रॉन को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, नेफ्रॉन को जब हमने जूम किया तो हमने देखा कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के पास में सबसे पहले जो नेफ्रॉन के अंदर आने वाली जो नेफ्रॉन के पास में जो आने वाली ब्लड वेसल है वो आर्ट्रियोल होती है। क्या होती है? आर्ट्रियोल। तो जो ब्लड लेकर के नेफ्रॉन के पास में आता है उसे हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल।
और ठीक है, जो जैसे मैंने कहा ना कि ब्लड सबसे पहले किडनी के अंदर आई रेनल आर्टरी के थ्रू, फिर रेनल आर्टरियोल है, और फिर आर्टरियोल के बाद में वो ब्लड आर्टरियोल जो अफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड ब्लड लेकर के कहाँ पे आई, वो ब्लड लेकर के आई आपके नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में। एक आपको ऐसा सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, वो आपका बोमेन कैप्सूल है, क्योंकि आपके किडनी के जो नेफ्रॉन होता है वहां दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रेनल ट्रिब्यूल। तो ग्लोमेरुलस वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, जहां पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, और रेनल ट्रिब्यूल वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके ब्लड का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो यूजफुल चीजें वो सब रीएब्जॉर्व की जाती है और यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बाकी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं स्ट्रक्चर पे बात करूं तो पहले हम उस पर आते हैं। तो जो हमारा अफरेंट एट्रियोल होता है वो ब्लड लेकर को आता है, ब्लड लेकर के आता है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में आने के बाद वो अफरेंट एट्रियोल का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, कैपिलरी में। किसमें कन्वर्ट होता है, कैपिलरी में, और फिर उन्हीं कैपिलरी से जो ब्लड है वो फिल्टर होती है और यूरिया, और यूरिया के साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी आपके फिल्टर हो जाते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। और जो बचा हुआ ब्लड होता है, जो फिल्टर होने के बाद जो ऊपर ब्लड रह गया वो वापस एफरेंट एट्रियोल से वापस लौट जाएगा। तो ब्लड जो आ रही है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए बोमेन कैप्सूल में, वो अफरेंट एट्रियोल से आ रही है, और जो वापस जा रही है, वापस रिटर्न हो रही है, वो एफरेंट एट्रियोल से हो रही है। ठीक है, तो ब्लड आपकी कुछ कुछ क्या हो गई, फिल्टर हो गई, कुछ ब्लड फिल्टर हो गई, मतलब सारी ब्लड नहीं फिल्टर होती, जितनी आती है उतना फिल्टर नहीं होती है, कुछ वापस भी लौट जाती, तो कई बार में आएगी ना। तो यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड थोड़ा सा ब्लड का अमाउंट फिल्टर हो गया, ब्लड इसी पार रह गई, लेकिन यूरिया वगैरह जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कुछ हैं वो फिल्टर हो गए। स्पेशली जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो कंपाउंड केमिकल्स होते हैं वही केवल फिल्टर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो गई या इस तरह से वो सब फिल्टर्स हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद में एफरेंट एट्रियोल जो बचा हुआ ब्लड है वो एफरेंट एट्रियोल से वापस बॉडी में वापस लौटता है, मतलब ब्लड में वापस लौटता है। फिर उसके बाद क्या है कि यहां पे हमें ध्यान में ये रखना है कि जब आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो जाता है बोमेन कैप्सूल में, तो बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन के बाद वो जो फिल्टर्ड मटेरियल है वो पहुंचता है कहां पे, आपका पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो रेनल, अब हमें अभी तक हमने कहा थे, अभी तक हमने किया ग्लोमेरुलस रीजन, कौन सा रीजन, ग्लोमेरुलस जहां पे फिल्ट्रेशन हुआ, जहां बोमेन कैप्सूल था वो ग्लोमेरुलस रीजन है, वो खत्म हुआ। अब हमारे किडनी का दूसरा रीजन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल, ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं रेनल। अब हमारा जो फिल्टर प्रोडक्ट है वो गया रेनल ट्यूब्यूल में, रेनल ट्यूब्यूल में पहला स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ पीसीटी, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वहां पे जाने के बाद इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो जाएगा पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले की बात को ध्यान सुनिएगा, बोमेन कैप्सूल और पीसीटी डीसीटी ये सभी चीजें मौजूद हैं आपके किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में ऊपर की तरफ, लेकिन लूप ऑफ हेनले का जो थोड़ा पोर्शन होता है वो मेडुला रीजन तक जाता है। कहाँ जाता है, मेडुला रीजन तक जाता है, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन में काफी मदद मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉल्ट को बाहर निकालने में, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में मेडुला रीजन जो होता है या मेडुलरी रीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो मेडुला रीजन है, जो लूप ऑफ हेनले है, वो कॉर्टेक्स से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, मेडुला में। तो जब वो ऊपर से नीचे जाता है तो इस तरह के लूप ऑफ हेनले को हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और फिर जब वो ऊपर की तरफ, जब वो ऊपर कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आता है दैट इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जब वो मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है तो वो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले होता है, और फिर आता है आखिरी में आपका डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जब आपका यूरिन पहुंचता है तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के कई काम होते हैं। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की सेल जो है वो मॉडिफाई होकर के जेजी सेल्स बनती हैं। जो जेजी सेल्स होती हैं वो आपके जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यूरिन या ब्लड हमेशा प्रेशर से आता रहे, ब्लड में फिल्ट्रेशन रेट हमेशा बोमेन कैप्सूल के पास बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए डीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में डीसीटी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपका यूरिन जो है वो पीसीटी के पास पहुंचा, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के पास पहुंचा डीसीटी के पास में, और डीसीटी के पास में पहुंचने के बाद वो पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट वो रीजन होता है जहां पे यूरिन इकट्ठा होती है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से जाता है पेल्विस में, और पेल्विस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड आपका फिल्टर होगा, इंपॉर्टेंट चीजें रुकेंगी, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो और है वो ब्लड से वापस लौट जाएंगी, बट काफी चीजें इंपॉर्टेंट फिल्टर भी हो जाएंगी यूरिया के साथ में।
उसको पीसीटी रीअब्सॉर्ब करेगा, वहां सिक्रीशन होगा, रीअब्सॉर्प्शन होगा और फिर पहुंचेगा लूप ऑफ फेनले में। लूप ऑफ फेनले के बाद डीसीटी में, मतलब डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पहुंचेगा पेल्विस, पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहां से होते हुए वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैंने आपको अभी के लिए जो है वो बताया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इस वीडियो को, 3D में डायग्राम को दिखाने की कोशिश की जाएगी। तब तक ले बाय, ख्याल रखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बात किया हुआ था कि हमारे किडनी के अंदर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। आज हम इसी नेफ्रॉन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, किस तरीके से सिचुएटेड होती है, और हमारी किडनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी होती है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं दो रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स और एक रीजन होता है मेडुला। उसी मेडुला में क्या होता है कि जब आप मेडुला में बीच बीच में, मतलब मेडुलरी रीजन के मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं, जो आपके मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रेनल कॉलम कहते हैं, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि उसी मेडुला में आपको देखने को मिलते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे कि हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और ये नेफ्रॉन केवल एक या दो नहीं होते, ये नेफ्रॉन पूरे मेडुला के अंदर जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, और तकरीबन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमें मेडुला के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे आखिरी वीडियो में बात किया। और ये नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे, मतलब अगर हम आपसे नेफ्रॉन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। मतलब कि मैं यहां पे इस वीडियो में आपको या इससे आने वाले वीडियो में आपको जो भी फंक्शन बताऊंगा वो केवल एक नेफ्रॉन का बताऊंगा, उस तरीके से लाखों नेफ्रॉन के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म होगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब हर एक नेफ्रॉन में वही फंक्शन परफॉर्म होगी, और फाइनल फंक्शन के बाद में जो हमारा यूरिन हमको मिलेगा उस यूरिन को हम कलेक्ट करेंगे पेल्विस में, और फिर भेजेंगे उसे यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर कर देंगे। ठीक, ये सिंपल मैकेनिज्म है, बट मैंने आपको कहा था कि ये मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हैं तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल और एकदम सिंपली वे में मैंने आपको बता दिया, छोटे बच्चों वाली चीजें, लेकिन जब आप बात करते हैं डिटेल के बारे में तब आप उस नेफ्रॉन के अंदर होने वाली हर एक प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो हमारे नेफ्रॉन में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, और एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जो है टिब्यूल कहते हैं, रेनल टिब्यूल कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ग्लोमेरुलस क्या है और रेनल टिब्यूल क्या है। दरअसल इनको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। जो ग्लोमेरुलस रीजन होता है वो हमारे किडनी के अंदर आने वाले ऐसे ब्लड जिसमें यूरिया होती है उसको ये फिल्टर करते हैं। मतलब कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो नेफ्रॉन का वो पार्ट होता है जहां पे ब्लड आता है किडनी के अंदर और ग्लोमेरुलस में जाता है, और वहां पे उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जहां हुआ वो ग्लोमेरुलस है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो बाकी का पोर्शन होता है आपके नेफ्रॉन का, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका जो बाकी का पोर्शन होता है वो पोर्शन बेसिकली आपका परफॉर्म करता है फंक्शन जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कलेक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती हैं आपके नेफ्रॉन के टिब्यूल वाले पोर्शन में, और फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है आपके किडनी के ग्लोमेरुलस पोर्शन में। तो इतनी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो किडनी में जो सबसे पहला जो आर्ट्रियोल आता है, मतलब जो सबसे पहले जब ब्लड फिल्टर होने के लिए नेफ्रॉन में आती है तो उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है ग्लोमेरुलस से, मतलब कि ग्लोमेरुलस वाले रीजन से। तो ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन होता है वो रीजन होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये बोमेन कैप्सूल वो रीजन होता है जहां पे जो आर्ट्रियोल है, मतलब जो ब्लड आपकी आ रही है किडनी के अंदर, वो पहले आती किसके थ्रू है, पहले वो आती है रेनल आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू आई, रेनल आर्टरी के थ्रू आई, और रेनल आर्टरी के आने के बाद जब वही जो आपकी आर्टरी है जब वो पहुंची कहां पे, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में, तो वो कन्वर्जन हुआ उसका किसमें, आर्ट्रियोल में, और फिर यही आर्ट्रियोल जो है एंटर करती है आपके नेफ्रॉन में। कहां एंटर करती है, नेफ्रॉन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किडनी सबसे बड़ा यूनिट है, किडनी सबसे बड़ी चीज है, उसके अंदर मौजूद होता है मेडुला और कॉर्टेक्स,
और उसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। तो उसी तरीके से जब आर्टरीज आई तो आर्टरी सबसे बड़ी यूनिट, सबसे मोटा ब्लड, और जब वो अंदर की तरफ आई, जब वो क्या आई अंदर की तरफ आई, तो अंदर की तरफ आते वक्त वो जनरली क्या हो गई, वो डिवाइड करके आर्टरी से क्या बन गए, आर्ट्रियोल बन गए। क्या बन गए? आर्ट्रियोल। और वही आर्ट्रियोल जो बना हुआ है, वही आर्ट्रियोल आएगी आपके बोमेन कैप्सूल में, जिसे आप ग्लोमेरुलस जहां पे होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जहां पे होगा, उस रीजन में आपकी आर्ट्रियोल आई है। क्या आई है? आर्ट्रियोल। तो वो आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेकर के ग्लोमेरुलस में आ रही है, जो ब्लड को लेकर के बोमेन कैप्सूल में आ रही है, उस तरह के आर्ट्रियोल को हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। ए आगे लगाइएगा, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, तो अफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को आर्टरी से लेकर के आ रही है और आ गई बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब बोमेन कैप्सूल को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोमेन कैप्सूल जो होता है, जब आप उसको जूम करके देखते हो, तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल आती बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर वो कन्वर्ट होती है किसमें? कैपिलरीज में। किसमें? बोमेन कैपिलरीज में। दैट कैपिलरीज इज नोन एज बोमेन कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के अंदर है, तो ये बोमेन कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है। और ये जो बोमेन कैप्सूल होती है ना, इसकी कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसका कुछ अपना स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, नॉर्मली कैपिलरी को अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कैपिलरी के अंदर आपको दो लेयर देखने को जरूर मिलेगी। एक आपको देखने को मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाली है, और एक मिलती है सबसे अंदर वाली, जिसे हम लोग एंडोथेलियल कहते हैं। ठीक है, तो एंडोथेलियम और बेसमेंट, ये नॉर्मल कैपिलरीज की लेयर है, लेकिन बोमेन कैप्सूल की जो कैपिलरी है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है? पोडोसाइट नाम है उसका। तो यहां पे किनारे की तरफ पोडोसाइट्स होते हैं ऊपर साइड में, जैसा कि आप सब डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो यहां पे जो कैपिलरीज आ रही है, जो मतलब जो ब्लड को लेके आ रहा है, वो अफरेंट है। अफरेंट आया, वो गया बोमेन कैप्सूल के अंदर, और जब वो बोमेन कैप्सूल में गया तो वो बोमेन कैप्सूल में कन्वर्ट हो गई कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन कैपिलरीज की खास बात यह है कि इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैंने पहले तो आपको यही बता दिया ना कि भाई ये कैपिलरीज आम कैपिलरी के मुकाबले अलग है, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग जनरली पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट। और ये केवल और केवल ग्लोमेरुलस के अंदर या बोमेन कैप्सूल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पोडोसाइट्स होते हैं, वो पूरी कैपिलरीज को कवर किए रहते हैं। कहीं कहीं पे पोडोसाइट्स बीच बीच में खाली रहता है। पोडोसाइट्स के उस खाली प्लेस को हम लोग स्लिट कहते हैं, फेनेस्ट्रेशन स्लिट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। और जो कैपिलरीज बोमेन कैप्सूल के अंदर आती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। भैया फिल्ट्रेशन होना है ना, फिल्ट्रेशन के लिए पोर्स जरूरी है कि नहीं? तो उन कैपिलरी में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिससे तकरीबन 100 नैनोमीटर छोटी इतनी चीजें जो है, 100 नैनोमीटर छोटी चीज ब्लड से फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल में आ सकती है, 100 नैनोमीटर। लेकिन बोमेन कैप्सूल में भी नहीं आएगी, ध्यान सुनते रहिए, बात समझ में आएगी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एंडोथेलियल है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आखिरी में है पोडोसाइट्स। ये तीन लेयर को जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई चीज जाएगी ना, वही चीज बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करेगी ब्लड से। फिर ध्यान सुनिए, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी से अगर कोई चीज फिल्टर होकर के जानी है किसमें? बोमेन कैप्सूल में। तो उसे तीन लेयर को सामना करना पड़ेगा। नंबर वन एंडोथेलियल, नंबर सेकेंड आपकी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर थर्ड पोडोसाइट्स। अगर ये इन तीनों चीजों को क्रॉस करती है और फाइनली बोमेन कैप्सूल में पहुंचती है, तो आपको पता है उस पार्टिकल का कितना होगा साइज? 7 से लेकर 9 नैनोमीटर का होगा। इतना छोटा होगा। लेकिन अभी आप तो बोलेंगे, सर आप तो बताए कि 100 नैनोमीटर के पोर्स अंदर आवा। यस, वो पोर्स बड़े होते हैं, लेकिन उस पोर्स के बाद भी मेम्ब्रेन मौजूद है। उस पोर्स के बाद भी ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे कैपिलरीज में, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स या फिर पोडोसाइट्स, कि वो इतने बड़े लार्जर मॉलिक्यूल को नहीं जाने देंगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपिलरीज कवर्ड होती हैं पोडोसाइट्स से, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो इन सब चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर, इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब इतनी बात समझिए। अब जो भी बोमेन कैप्सूल के कैपिलरी से चीजें अंदर आएंगी, आप और डिटेल में देख सकते हैं, फेनेस्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, जो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उन्हें फेनेस्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। इंडोथीलियम जो फेनेस्ट्रेशन होते हैं, मतलब जो इंडोथीलियम पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इंडोथीलियम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। डायग्राम में आपको सब कुछ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बीच की एक लेयर जिसे बेसल लैमेला या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर की सबसे लेयर को हम लोग एंडोथीलियल कहते हैं। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए
कि कोई चीज आर्टियोल से कैपिलरी के अंदर आ गई। अब कैपिलरी से फिल्टर होकर के जाना है उसको कहां पे भैया, जाना है उसको आपके बोमेन कैप्सूल में। तो बोमेन कैप्सूल में वही चीज अंदर जाती है जिनकी प्रॉपर्टी क्या क्या। पहली चीज, लार्ज ब्लड सेल्स अंदर नहीं जा सकती, उनका साइज बहुत बड़ा होता है और ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ये है कि जो चीज बहुत माइन्यूट बहुत छोटी होगी वही अंदर जाएगा, क्योंकि भैया इसमें एक फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, केवल फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी से चीजें नहीं बाहर जा रही, इसके अंदर कई लेयर्स को क्रॉस करके चीजें बाहर जा रही। नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी नहीं जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते इस मेम्ब्रेन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिड साइज प्रोटीन, जो मिड साइज प्रोटीन है वो भी नहीं जा सकती है, वो भी बहुत बड़ी होती है, 27-28 नैनोमीटर की होती है, वो भी नहीं जा सकती भाई, 7-9 नैनोमीटर जाती है शुरुआत में तो फिल्टर हो जाता। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलता हूँ जब इंडोथीलियम होती ना तो बहुत सारी जो पार्टिकल होते हैं ना वो 100 नैनोमीटर को क्रॉस करके निकल जाते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के अंदर, नहीं जा पाते हैं, लेकिन दो लेयर के बीच में तो चले ही जाते हैं, वो दो लेयर के बीच में चले जाते हैं, लेकिन वो एकदम अंदर नहीं जा सकते। एकदम अंदर क्यों नहीं जा सकते? एकदम अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रीजन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, उनकी साइज जो है वो इतनी पतली नहीं जो पोडोसाइट्स वाले पोर्स को जो है वो क्रॉस कर सके, उसके लिए 7-9 तो वहीं से वापस हो लेते हैं ब्लड में, वहीं से फिल्टर होते हैं फिर वहीं बाहर हो लेते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं जाते, लेयर के बीच ही में रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें अंदर जाती हैं, वाटर जा सकता है, ग्लूकोज जा सकता है, एमिनो एसिड जा सकता है, वेस्टेज जा सकते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह जा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्रॉस करके मेम्ब्रेन के वहां जा सकती है। फेनेस्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस करना पड़ेगा, रिमेंबर ना केवल फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी को क्रॉस करना पड़ेगा बल्कि कि उन्हें फेनेस्ट्रेशन स्लिट को भी क्रॉस करना पड़ेगा, और फेनेस्ट्रेशन स्लिट की साइज बहुत छोटी होती है, उसमें नॉर्मल चीजें जो है वो नहीं पाती। जैसा कि आप सब इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे तीन लेयर्स हैं, एक है आपकी कैपिलरी वॉल, ठीक है, इंडोथीलियम, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी तरह बहुत सारी चीज बीच में आ गई, देखो लार्ज ब्लड वेसल्स, ये सब बीच में आ सकते हैं, ये सब फिल्टरों के बीच में आ सकते हैं, क्रॉस करके आ सकते हैं, लेकिन पोडोसाइट्स के बाहर में अंदर नहीं आ सकते, ये पोडोसाइट्स के अंदर जा ही नहीं सकते। ये डायग्राम सब समझ, अगर इन्होंने पोडोसाइट को क्रॉस कर दिया, तो पोडोसाइट को क्रॉस करने के बाद तब ये पहुंचेंगे बोमेन कैप्सूल में। अब मान लीजिए गुरु, अब यहां से खेला शुरू हुआ, अब बोमेन कैप्सूल में चीजें चली आई हैं, बोमेन कैप्सूल में चीजें चली तो आई हैं, मैं मान भी रहा भाई बोमेन कैप्सूल में चीजें आ गई, लेकिन वहीं पे तो सारा खेल शुरू हो रहा है। बोमेन कैप्सूल में जब चीजें फिल्टर होकर के चली आती हैं तो वहां पे ना केवल आपके हार्मफुल चीजें होती हैं बल्कि बहुत सारी यूजफुल चीजें, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि हमारे पास वाटर भी हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए अमीनो एसिड भी यूजफुल है, हमारे लिए बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं वो भी यूजफुल है, ग्लूकोज यूजफुल है, तो हमारे लिए ये सारी चीजें जो है वो यूजफुल होती है, तो हमें इनका क्या करा देना है, हमें इनका कराना होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है हमारे पीसीटी के अंदर, क्या किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। अब समझिए मेरी बात, ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रही है, ब्लड क्या हो रही है, फिल्टर होने के लिए आ रही है, ठीक। लेकिन आपको बताऊं, जब ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रही ना तो ब्लड का बेटा फिल्टर होने के लिए एक प्रॉपर प्रेशर होना जरूरी है उस बोमेन कैप्सूल के ऊपर। अगर ब्लड तेजी से अफ्रेंट एट्रियोल में नहीं आएगी तो फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो अगर फिल्ट्रेशन अच्छी तरह होना है तो ब्लड को अफ्रेंट एट्रियोल के अंदर बहुत तेजी से आना पड़ेगा, और तेजी से आने के लिए यहां पे एक रेट काम करता है जिसे हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। याद रखिएगा, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल है, अच्छा है, तो फिर बोमेन कैप्सूल के अंदर चीजें आराम से फिल्टर हो जाएंगी। लेकिन अगर GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, मतलब कि ब्लड फिल्टर होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ब्लड उतनी अच्छी तरह से फिल्टर नहीं होगा, ब्लड जो है इफ्रेंट एट्रियोल से वापस लौट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड इफ्रेंट एट्रियोल से वापस लौटेगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से हो, वो उस फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी और जो है फेनेस्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस कर सके, इसके लिए GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बना रहना चाहिए इक्वल। अब क्या होगा अगर वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ना चले, देखो ध्यान से, मान लीजिए बोमेन कैप्सूल है आपकी, बोमेन कैप्सूल है ना, अब बोमेन कैप्सूल का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ठीक, अफ्रेंट एट्रियोल से ब्लड आ रही, लेकिन अचानक से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, ब्लड जितनी तेजी से आ रही उतनी तेजी से ब्लड आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब भैया लो हुआ हंगामा, अगर मान लीजिए कि ब्लड उतनी तेजी से नहीं आ रही है तो GFR फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। भाई आप जितना झटका से किसी के तो फिल्टर करने के लिए भेजोगे, उतने झटके से उसका फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से होगा। लेकिन मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर तो लो हो गया, जो ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर उसका प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। अब जब ब्लड लो हो गया तो फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा, मतलब जीएफआर क्या हो गया, जीएफआर की वैल्यू जो है वो घट गई। तब क्या करती है कि उसी आर्ट्रियोल के पास, मतलब उसी अपफ्रंट आर्ट्रियोल के पास में मौजूद होती है जेजीए सेल या फिर जेजीए अपैरेटस, मतलब जेजी अपैरेटस। ये जो जेजी अपैरेटस होते हैं ये दरअसल आपके किडनी के ही पार्ट हैं, दैट इज अ डीसीटी, ठीक है ना, ये डीसीटी के पार्ट है। और ये वो पार्ट होते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के, वो पार्ट होते हैं जो आपके ब्लड के प्रेशर को, उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करेंगे, कि मतलब आपका जीएफआर हमेशा बना रहे। तो इसके लिए वो क्या काम करते हैं कि जो आपके बोमेन कैप्सूल के पास में एक सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है जेजी सेल्स, ये सेल्स कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। जब ये रेनिन रिलीज होती हैं तो रेनिन के रिलीज होने से एक केमिकल एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन के एक्टिवेट होने से बहुत सारे फैक्टर्स और एक्टिवेट होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ब्लड बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो जाहिर तौर पे फिल्ट्रेशन रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर बोमेन कैप्सूल में सही तरीके से ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, सही तरीके से ब्लड नहीं आ रहा है, तो वो रेनिन रिलीज करेगा जिससे कि ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। ब्लड फिल्ट्रेशन नॉर्मल होने के बाद फिर आपकी जो जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है या जो भी चीजें फिल्टर हुआ है वो पहुंचता है बोमेन कैप्सूल। लेकिन बोमेन कैप्सूल में पहुंचने के पहले बहुत सारी चीजें जो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ तो गई हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं जा पाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, वो वापस बोमेन कैप्सूल में लौट जाती है, मतलब वो वापस ब्लड में लौट जाती है प्रेशर के कारण, दैट इज ड्यू टू प्रेशर, जिसके बारे में आगे आपसे और बात कर लूंगा। तो यहां पे आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना कि जो भी चीजें फिल्टर हुई रहती है बोमेन कैप्सूल में वो मूव करके जाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जो होता है वहां पे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? वो आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एक चीज और ध्यान सुनिएगा कि आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, मतलब जो ब्लड आ रही है उसमें तकरीबन, जो फिल्टर होने के लिए आ रही है उसमें से तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होने के लिए आती है किडनी में हर एक मिनट। हर एक मिनट में 1100 से मतलब तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के आसपास ब्लड आती है किडनी के अंदर, जिसमें से तकरीबन, मतलब जितना ब्लड आ रहा है ठीक है, उसका जितना पंप किया जा रहा है ब्लड, उसका तकरीबन 1/5 का एक हिस्सा जो होता है वो जनरली आपका पंप होने के लिए आता है पर मिनट के लिए। द ग्लोमेरुलस जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है वहां पे ब्लड प्रेशर जो होता है उसी कारण वो 3 लेयर को क्रॉस करता है, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पे सारी बातें बता दी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बात जो यहां पे जीएफआर का है, जीएफआर कैसे कम हो जाता है? देखो क्या होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो जीएफआर, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर जो जीएफआर की वैल्यू होती है वो होती है 125 ml/min, मतलब कि इतना ब्लड फिल्टर होना चाहिए 125 ml/min, दैट इज 180 liter/day, इतना आपका फिल्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। अगर आप इतना फिल्टर नहीं कर रहे हो, किडनी अगर इतना फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जीएफआर वैल्यू कम हो गया है। और जैसे उसका जीएफआर वैल्यू कम होगा वहां पे मौजूद जो जेजीए सेल्स होंगी, जेजीए रीजन होगा, वहां पे जेजी सेल्स होंगी, वो रेनिन रिलीज करना शुरू करेंगी ताकि दोबारा से ये सारी चीजें हो जाए। अब क्या होता है कि जब चीजें फिल्टर हो गई, चीजों के फिल्टर होने के बाद में 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट होता है वो जाता है रेनल टिब्यूल में, और रेनल टिब्यूल में जाने के बाद जो है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही लिखा है, कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 liter/day विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 liter। जो यूरिन रिलीज होता है वो हम पूरे दिन में कितना कर रहे हैं, 1.5 liter, और हम फिल्टर कितना कर रहे हैं, हम फिल्टर कर रहे हैं 180 liter। तो 180 लीटर हम फिल्टर कर रहे हैं और रिलीज करने कर रहे हैं 1.5 liter। इस तरह से हम तकरीबन 99% जो चीज होता है अपने यूरिन में उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे। भाई हमने फिल्टर किया 180 लीटर, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जो रिलीज किया यूरिन वो किया 1.5 लीटर।
इसमें तकरीबन 99% जो चीजें होती हैं वो हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही चीज कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और इस ट्यूब्यूल में यही चीज सारी चीजें नहीं होती, इस ट्यूब्यूल के अंदर एक्टिवली पैसिवली दोनों तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लो कंसंट्रेशन टू हाई जाती हैं, कुछ ऐसी तो हाई टू लो जाती हैं, तो ये एक्टिवली भी जाती है और पैसिवली भी जाती है। कौन कौन सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब किए जाते, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और ये कहां होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेले, मतलब पूरे ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन लगा रहता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो फिल्ट्रेट होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहां पे जो ब्लड होती है, जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड से मतलब जिस समय फिल्ट्रेशन हो रहा होता है रेनल ट्यूब्यूल में, जिस समय मटेरियल होता है उसी समय रीअब्जॉर्प्शन के समय ही सिक्रीशन भी होता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती जो नेफ्रॉन से, जो ट्यूब्यूल से रेनल ट्यूब्यूल की सेल्स में जाती हैं, फिर ब्लड में जाती हैं, कुछ चीज रीअब्जॉर्ब होती हैं, जो कुछ चीजें रेनल ट्यूब्यूल द्वारा रीअब्जॉर्ब होती है, और कुछ चीजें जो होती है वो सिक्रीट होती है। सिक्रीट क्या होती है, सिक्रीट होती है हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, ताकि सेल का पीएच वैल्यू वगैरह, आयनिक वैल्यू वगैरह मेंटेन रह सके। तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन सिक्रीट करता है ब्लड, और बदले में वहां से ले लेता है बाइकार्बोनेट, दैट इज SCO3। तो SCO3 ले लेता है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दे देता है किसको, ट्यूब्यूल के अंदर, ताकि उसको वो क्या कर सके, एक्सक्रीट कर सके। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, और कुछ और बातों के बारे में मैंने बताया। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल के बारे में। तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वेंकट मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तो। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से आपको और बहुत कम टाइम में आपको इसको बताने की कोशिश जो है वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात किया था, बोमेन कैप्सूल के फंक्शन की बात किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग अपने नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पहले ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बोमेन कैप्सूल जहां पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद PCT जहां पर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, और फिर लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले जहां पर वाटर मॉलिक्यूल और NaCl बाहर जाएगा, और उसके बाद आपका आता है DCT जहां पर सिक्रीशन वगैरह होता है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, और उसके बाद आखिरी में जो आता है वो आपका होता है कलेक्टिंग डक्ट जहां पर आपकी यूरिन जाकर के इकट्ठा होती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, फिर वो पहुंचती है आपकी पेल्विस में, पेल्विस से फिर वो यूरेटर, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आपकी यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाती है। ये सिंपली सीक्वेंस आपको मैंने बताया। अभी तक हमने बोमेन कैप्सूल के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे आपसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो नेफ्रॉन को जो हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सामने की तरफ, यहां पे हमने इस वाले रीजन की बात ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब हमने ऑलरेडी बोमेन कैप्सूल की जो है वो बात कर ली है, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस रीजन की, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के रीजन की हम लोग जब बात करेंगे तो इस रीजन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या, बोमेन कैप्सूल नाम दिया था, और इस रीजन को हमने नाम दिया था दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर इसे हम लोग नाम दिया था PCT। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एरो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है इसका मतलब इन सभी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की जो सेल्स होती हैं वो दरअसल बनी होती है एंडोथेलियल या सॉरी एपिथेलियम टिश्यू से, और एपिथेलियम में भी कई टाइप के टिश्यू होती हैं जिनको शेप के बेसिस पर हमने डिवाइड किया हुआ था, आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू में से एक एपिथेलियल टिश्यू होती है जो कि होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का ही। ठीक है, चीजों को रीअब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो ब्रश लाइक क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, वो आपकी इनके सरफेस एरिया को पहली चीज तो बढ़ाएंगे। अगर क्यूबॉइडल होंगे तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा इनका शेप और साइज होगा जो इनके सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये स्क्वेमस होती तब इतना सरफेस, अगर जैसे मान लीजिए स्क्वेमस एपिथेलियल होती तब इसके अंदर काफी जगह आपको होती, तब इनका सरफेस इतना ज्यादा ना होता, लेकिन ये चूंकि क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल होने के कारण इनका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती, काफी चीजों को ये रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डल एपिथेलियल टिश्यू होती है जिसके कारण ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन में जितना भी बोमेन कैप्सूल ने मटेरियल फिल्टर किया है, जितना भी मटेरियल यहां से फिल्टर होकर के आया है पीसीटी के अंदर, तकरीबन उसका 70-80% जो 70-80% रीअब्जॉर्प्शन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70-80% जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हैं, ये सभी यहां पे जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पीसीटी का मेन रोल है। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक SO3, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, H2O, पोटेशियम आयन, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं 70-80%। मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है, 70-80% रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। ये तो काम हो गया इसका। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि SCO3 हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि SCO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से ये सभी चीजें बनाने के लिए, ब्लड के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा बाइकार्बोनेट बहुत जरूरी भी होता है। इसीलिए ब्लड जो आपका नेफ्रॉन है ये इसे वेस्ट की तरह बाहर नहीं करेगा, इसे रीअब्सॉर्ब करा लेगा, कहेगा भैया तुम बाहर मत जाओ क्योंकि तुम्हारे और भी बॉडी में बहुत सारे रोल हैं। तो SCO3 वहां पर रीअब्सॉर्ब किया जाता है। NaCl ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये वाटर हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता ही है, वो भी आप सब जानते हैं। न्यूट्रिएंट भी हमको चाहिए और पोटेशियम आयन, न्यूट्रिएंट में आपका अमीनो एसिड हो सकता है आपका बहुत सारे अदर प्रोटीन्स हो, या जनरली तौर पे आपका मान सकते हैं कि आप ग्लूकोज वगैरह भी हो सकता है थोड़े मोड़े अमाउंट में, तो वो सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ब्लड जो है, ब्लड अपने पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो, इसके लिए जो है वो काफी चीजों का सिक्रीशन करती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और NH3। NH3 अमोनिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो भी बॉडी चाहती है कि उसको भी बाहर की तरफ रिमूवल करे, NH3 को भी अपने जो होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब जिसको रीअब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेजना है, और सिक्रीशन मतलब जो कि नेफ्रॉन में फिल्टर तो नहीं हुआ है लेकिन उसे हमने दोबारा से पीसीटी के अंदर भेज दिया कि भैया वो उसी सारे बाहर चली जाए हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो ये चीजों का होता है सिक्रीशन, क्या होता है सिक्रीशन होता है इन चीजों का, और ये जो ऊपर की चीजें इनका होता है रीअब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर, यही हमारा पीसीटी का रोल होता है। अगर हमने यहाँ पे पीएच के लिए हमने SCO3 को रीअब्जॉर्ब न कराया होता हाइड्रोजन आयन, तो आयनिक बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे आपका सिक्रीशन होता है सेलेक्टिव चीजों का, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एब्जॉर्प्शन होता है SCO3 का, दैट इज ड्यू टू अ पीएच वैल्यू, आयनिक बैलेंस करने के लिए हम जनरली इनका उपयोग जो है वो सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन इनका कराते हैं। तो ये जनरली कहाँ हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में हो रहा है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर आता है पीसीटी के बाद जो हमारा यहाँ पे एक लूप आपको देखने को मिल रहा है, दैट लूप इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप है आपको यहाँ पे एक हेयर पिन लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप को हम लोग ये वाला लूप, ठीक है, ये जो लूप आपको दिखाई दे रहा है ये लूप है हमारा लूप ऑफ हेनले, दैट इज ड्यू टू अ नेम ऑफ साइंटिस्ट लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह का लूप देखने को मिलना है, दैट इज अ वन इज जो नीचे की तरफ आ रहा है जिसको हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है जिसे हम लोग असेंडिंग कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रोल होता है, एक तो रोल ये है कि ये आपके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे किडनी के अंदर जब हम देखते हैं तो दो किडनी के, अगर हम इस पार्ट को ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं आपकी किडनी में, एक है जो कॉर्टेक्स में रहता है जो ऊपर वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो कहाँ रहता है, मेडुला में। तो लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स में है और कुछ पार्ट मेडुला में। बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में सॉल्ट आयन सॉल्यूट बहुत कम है लेकिन मेडुला के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब मेडुला के अंदर जो सॉल्ट है, NaCl है, यूरिया वगैरह है, ये सब इसके अंदर ज्यादा रहेगा, किसके अंदर, मेडुला के अंदर ये सब ज्यादा रहेगा, लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर इनका कंसंट्रेशन कम रहता है। कॉर्टेक्स में ज्यादा वाटर है, कम सॉल्यूट है, ठीक है, लेकिन मेडुला में ज्यादा सॉल्यूट है और कम वाटर है, ये ग्रेडियंट बना रहता है। याद रखिएगा ये इंटरस्टिशियल जो ग्रेडियंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेडियंट में होता है। मतलब ग्रेडियंट कहने का मतलब ऊपर की तरफ कम से लेकर के ज्यादा की तरफ, अगर यहाँ 300 है ग्रेडियंट तो यहाँ पे आपका 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1200। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा लगातार नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ ऊपर कंसंट्रेशन कम है मतलब इसमें वाटर ज्यादा है, अंदर आओगे थोड़ा और सॉल्ट बढ़ेगा, 800 हो जाएगा तो और सॉल्ट बढ़ेगा, नीचे आते जाओगे सॉल्ट बढ़ता, मतलब मेडुलरी रीजन के अंदर जो सॉल्ट को बढ़ाना है, दैट इज अ मेडुलरी रीजन। ठीक है,
हमें नेफ्रॉन की बात ही भी नहीं करनी, हमें ये समझना है कि जो मेडुलरी रीजन आप देख रहे हो यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन नीचे आते हुए बहुत हाई हो रहा है, और हाई इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है हाई, हाई वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे हाई करने के पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है लूप ऑफ हेनले। जैसे ही लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आता जा रहा है, जैसे ही लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आता जाएगा तो वो हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो आपका NaCl रिलीज करेगा। ठीक है, तो दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मेडुला के इंटरस्टीशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन या उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी रहती हैं। यहां पे बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए, मतलब NaCl इससे बाहर नहीं जा सकती है, इससे केवल बाहर जाएगा H2O। डिसेंडिंग वाला परमिएबल होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होता है किसके लिए, इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए। वहीं पे अगर हम असेंडिंग की बात करेंगे तो असेंडिंग वाला NaCl के लिए जो है वो परमिएबल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता, क्योंकि यहां पे इस यहां पे मौजूद जितनी भी सेल है उसमें H2O वाला एक्वापोरिन चैनल उसके मेम्ब्रेन में देखने को नहीं मिलती है। जब इसके मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन चैनल ही नहीं होगी तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये केवल और केवल NaCl को बाहर निकालते हैं और ये केवल और केवल वाटर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये वाटर कब बाहर जाएगा, NaCl कब बाहर जाएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन मेडुला। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेडुला के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। द डिसेंडिंग लूप लिंब ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, द असेंडिंग इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब NaCl को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एंड पोटेशियम आल्सो, ठीक है, पोटेशियम आल्सो, देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट, और ये प्रोसेस जो NaCl बाहर निकालती है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस, मतलब इसमें आपका एनर्जी यूटिलाइज होगी। ठीक है, ये एक एक्टिवली प्रोसेस है। उसके लिए इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही हम NaCl को बाहर निकालेंगे ये डाइल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब ये डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर यहां पे मौजूद, अब जब तक ये डाइल्यूट नहीं होगा तब तक इससे H2O कभी बाहर जाएगा ही नहीं, तो H2O को बाहर निकालने के लिए इसका डाइल्यूट होना भी जरूरी है, और NaCl को बाहर निकालने के लिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होना जरूरी है। अगर ये H2O यहां कम नहीं होगा तो कभी भी NaCl बाहर नहीं रिमूवल होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो ये एक चीज है जिसको आपको यहां पे ध्यान में रखना है। क्लियर, फिर सुन लीजिए मेरी बात, इसे लूप ऑफ हेनले ना, यहां से अगर H2O बाहर चला जाएगा तो यहां सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन मैच करेगा मेडुला से। अब जब ये मेडुला से मैच कर जाएगा भाई, तो तुम बताओ खुद ही, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाते ही H2O बाहर ज्यादा रहेगा और अंदर H2O कम, तो इस दोनों H2O को बैलेंस करने के लिए हम NaCl क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, हमें मेडुला का जो कंसंट्रेशन है वही सेम कंसंट्रेशन बनाए रखना है किसका, इसका, क्या नाम है इसका, लूप ऑफ हेनले का। अभी सिंपली तौर पे मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी मान लो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, सपोज दैट इसके पास कॉन्सेंट्रेशन है 300, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 600, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है, इसमें वाटर ज्यादा है और यहाँ पे वाटर कम, तो ये अपने वाटर क्या करेगा, रिमूव करेगा, ताकि कितना हो जाए 600 हो जाए, तो इसीलिए वाटर को बाहर निकाले, ताकि अगर यहाँ पे 1200 है तो ये भी कितना हो जाए 1200 हो जाए, इसीलिए वाटर को ये निकालता रहता है। That's it. यही रीजन है मेन, अभी आप इसको आगे पढ़ने वाले हो। ठीक, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बहुत सिंपल सा कमाल का रोल होता है, यहाँ पे कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे NaCl है, वाटर मॉलिक्यूल है, SCO3 है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये सारी चीजें आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये तीनों ऊपर वाली चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, जो बची हुई रहती हैं। लेकिन जो चीज ब्लड में मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, पीएच को बैलेंस करना है, वो वाली चीजें सीक्रेट रहती है। तो जो काम डीसीटी का, पीसीटी का, वही काम डीसीटी का, बट डीसीटी के पास में कुछ मैक्यूला डेंसा या जेजी सेल्स में मॉडिफिकेशंस होता है, जिससे कि GFR मेंटेन होता है। तो डिस्टल का दो रोल आप मान, GFR को मेंटेन करने में भी किसका रोल होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रोल होता है, जिसको हम आगे भाई आपसे बात करेंगे। ठीक है, बाकी साथ में भाई NA निकालेगा, CA पोटेशियम आयन निकालेगा, तुमको पता है भाई हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर या एक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की जरूरत होगी, जिसको आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे न्यूरॉन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगला है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भाई देखो, सिंपली तौर पे मैकेनिज्म है कि यहाँ पे एक हार्मोन्स भी काम करता है, जिसका नाम है एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स, दैट इज ADH।
अगर मान लीजिए गर्मी का सीजन है तो कलेक्टिंग डक्ट कहेगा भैया ऐसा करो तुम और वाटर एब्जॉर्ब कर लो, डिजिटल क्वालिटी और वाटर एब्जॉर्ब, क्योंकि गर्मी का सीजन है, हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है। तो वहां पे अगर एडीएच हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब होगा, और अगर वहां पे कलेक्टिंग डक्ट में वाटर मॉलिक्यूल वो और एब्जॉर्ब होगा, वो तब एब्जॉर्ब होगा अगर गर्मी वगैरह है। तो वैसे नॉर्मली तौर पर द लॉन्ग डक्ट होता है एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये रीजन है और ये रीजन है मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब होता है, दिस रीजन प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, और जब वाटर सब बाहर निकलेगा इससे तो यूरिन का कंसंट्रेशन, ये जो मेडुला देख रहे हो ना ये कंसंट्रेशन ही बता रहा है कि नीचे का एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि जब वाटर चला गया तो एरिया क्या हो जाएगा डार्क। तो इसी तरह ये भी इसी तरह से रहता है, जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे ना, ये वाला डायग्राम देखिए, ऊपर की तरफ वाटर जाता है और नीचे की तरफ, दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं एकदम क्लियर आपको कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं, H2O को ये भी बाहर निकालती है। आल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन, यहाँ पे भी कुछ चीजों का सेक्रीशन होता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और पोटेशियम हर जगह सिक्रीट किए जाते हैं आपके ब्लड के थ्रू। ठीक है, दैट्स इट गाइस। तो ये है आपका मेन फंक्शन जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का है। नाउ अब हम टॉकिंग या अब हम बात करने वाले हैं आपसे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, जो बहुत सिंपल है, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, हमने एक एरिया लिखा है लूप ऑफ हेनले, क्या लिया है लूप ऑफ हेनले, और इसके किनारे किनारे ब्लड वेसल्स हैं, क्या है ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जिनसे कि एक तरफ से ब्लड आ रहा है और एक तरफ से ब्लड जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दैट इज अफ्रंट वाला रीजन, ठीक है ना, और ये जिससे ब्लड जा रहा है ये वैसा रेक्टा है, वैसा रेक्टा मतलब ये आर्ट्रियोल है जो आपके ग्लोमेरुलस या लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ मौजूद होता है। अलग अलग लोग, मैंने इस तरह से इसको इसीलिए बनाया ताकि आपको सिंपली समझ में आए। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो फिल्टर्ड मटेरियल आया हुआ है, ठीक है, ये वो रीजन है पीसीटी का जहां पे फिल्टर्ड मटेरियल आया, और ये वो रीजन है जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा या जो जा रहा है, ठीक है, फिल्टर होकर के जो वापस लौट रहा है। लूप ऑफ हेनले का ये आने वाला रीजन है और लूप ऑफ हेनले का ये जाने, मतलब ये वाला रीजन है आपका डिसेंडिंग और ये वाला रीजन है आपका असेंडिंग, और ब्लड में ये वाला रीजन है असेंडिंग और ये वाला रीजन है डिसेंडिंग। अब आप बोलोगे सर दोनों पॉजिट, यही वैसा रेक्टा की कहानी है। वैसा रेक्टा एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो कि खुद अपने मेडुलरी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रिमेंबर, ध्यान सुनते रहिएगा, समझ में आपको आता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये रीजन होता है आपका, इसके ऊपर का रीजन मान लीजिए आपका है क्या, इसके ऊपर का रीजन है कॉर्टेक्स, क्या है कॉर्टेक्स, और ये पूरा रीजन कौन सा है मेडुला है, नीचे का पूरा रीजन क्या है मेडुला है, जहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एकदम सिंपली तौर पे अगर हम लोग समझे तो। ठीक है, जब आपका फिल्टर होकर के चीजें आई, ठीक है, हम जनरली यहां पे दो चीजों के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक देखेंगे NaCl और एक देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, जो ब्लड आ रहा है पहले उसमें क्या जाता था वाटर, पहले ब्लड की बात कर, पहले उसमें क्या जाता था ठीक है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, यहां पे जो मेडुला की जो वैल्यू है, मेडुला के मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारा, उसकी भी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज अ 300 है, ये भी 300 है, तो इसको आप लोग 300 यहां कर लीजिएगा, ठीक है, और यहां 400 है तो यहां पे आप इसको 600 कर लीजिएगा, ओके, और यहां 600 यहां आप इसको 800 कर लीजिएगा, और यहां पे आप इसको 1200 कर लीजिएगा। ठीक, अब समझिएगा मेरी बात को, ये पूरे मेडुला का कंसंट्रेशन है, राइट, अब समझिएगा। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे एक सेकंड, तो यही इसको समझते हैं। तो जो ब्लड आया, हमें उस ब्लड से कोई लेना देना नहीं, अभी हमको बस समझना है कि इस ब्लड में वाटर ज्यादा है और इस ब्लड में वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, वाटर ज्यादा सॉल्यूट कम। तो क्या करेगा कि जो हमने देखा, अभी हमने जो अपने तरफ से निगाह डाली थी कि असेंडिंग वाले में हम ये देख रहे थे कि असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था, असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था, NaCl बाहर जा रहा, इसी के ऊपर तो हमने ब्लड वेसल ऐसे ही तो बनाया ना, तो ये ब्लड आ रही है, ये ब्लड आ रही है, तो असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था, NaCl, क्या बाहर है NaCl, तो NaCl जो बाहर गया था अब वो धीरे धीरे मूव करके किसके अंदर आएगा, अब वो धीरे धीरे मूव करके आएगा ब्लड वेसल के अंदर, और कहां जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और कुछ चला जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। जब ये ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, देखो ये बढ़ रहा है नहीं, 400 हो गया और NaCl गया, 600 हो गया और NaCl गया, 900 हो गया, ठीक है ना, समझ गया मेरी बात की नहीं। NaCl जो इसने बाहर निकाला वो वैसा रेक्टा ने लिया और अब उसका जो है NaCl दैट इज अ पहुंच गया कितना, 400 के आसपास में, राइट, मेरी बात इतनी समझ में आ गई ना, वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अ 300, ओके डन। अब क्या हुआ कि जब ये ब्लड ऐसे जाएगी और बाहर निकलने के लिए जाएगी, तो जैसे ये 1200 की ऑस्मोलैरिटी पे पहुंच गया, 1200 की ऑस्मोलैरिटी पहुंच गया, मतलब अगर ये 1200 मिली ऑस्मोल हो गया,
अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है अब वो इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्या होगा, बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल अब इससे बाहर निकल रहा है और इससे भी वाटर, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इससे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल रहा था। तो इससे जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो जो वैसा रेक्टा है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ तो इसकी ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। देखा ना, यहां NaCl बाहर निकल रहा था तो ये NaCl एब्जॉर्ब किया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन जब ये वापस जा रहा है और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था उसने वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ना लूप ऑफ हेनले ने किसको बाहर निकाला है जाते वक्त, लूप ऑफ हेनले ने बाहर निकाला H2O को, तो इस H2O किसने ले लिया, इस ब्लड ने ले लिया और उसकी ऑस्मोलैरिटी लगातार क्या होने लगी, कम होने लगी। यही काउंटर करेंट मैकेनिज्म है। फिर से सुनिए मेरी बात, अच्छे समझेंगे, समझ में आपको सारी चीजें आएंगी, एक एक करके इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा, एक मिनट का जस्ट वेट करिए, बस मैं आपको सारी चीजों को कंफर्म करता हूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीजें समझ में जो है वो आएंगी, ठीक है। चलिए आप पहले इस डायग्राम की तरफ नजर डाल लीजिए, ठीक, अब समझिए मेरी बात को। हमने कहा कि जब हमारा लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रहा था ना, नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले आ रहा था, तो उस समय हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था, मतलब डिसेंडिंग की तरफ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और असेंडिंग की तरफ हमेशा NaCl। लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल आई हुई है ना बेटा, जो और मेडुला का मैंने क्या बताया था, मेडुला का हमेशा याद रखिएगा कि इसका कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। मेंटेन क्या रहेगा, अगर ये 300 है इस तरह से मेंटेन है, 300, 600, 800, 1000 और 1200, ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको मेंटेन करने के लिए यही सब है, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, यही सब है, ठीक है ना। ये जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, मेडुला वाला रीजन है, इसी के कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन कर रहा है, इसी के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है लूप ऑफ हेनले। अगर मान लीजिए लूप ऑफ हेनले का ये 300 है, यहां पे मान लेते हैं ये 300 का कंसंट्रेशन है, राइट, यहां पे अब ये 300 है ना, तो ये 300 से क्या होना चाहता है, 600 होना चाहता है, तो 600 होने के लिए ये अपने वाटर क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तब एक टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा, 600। अब ये 800 है ना, 800 होने के लिए और बाहर निकालेगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा, 800। अब एक 1000 होने के लिए और वाटर बाहर निकालेगा कितना पहुंच जाएगा, 1000, और वाटर बाहर निकाले कितना, 1200। अब कंप्लीटली हमने फाइनलाइज कर लिया कि भैया अब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है लूप, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त लूप हम देख रहे हैं भाई ये तो 1200 लिखे, अभी क्या हो गया, 1000, तो दोबारा से 1000 होने के लिए अपने अंदर क्या बाहर निकालेगा, NaCl, क्योंकि वाटर तो बाहर निकाल चुका है। अब ये अपने कंसंट्रेशन कम करने के लिए सॉल्ट बाहर निकालेगा, अभी तक कंसंट्रेशन को ज्यादा करने के लिए वाटर बाहर निकाल रहा था और अब कंसंट्रेशन कम करने के लिए सॉल्ट बाहर निकालेगा, और अब ये सॉल्ट को जब इसने बाहर निकाला तो इसका कंसंट्रेशन NaCl को बाहर निकालता गया, NaCl को बाहर निकालता गया। अब ये NaCl इंटरस्टीशियल फ्लूइड में है ना, और यहीं पे हमारी क्या मौजूद है, ब्लड वेसल मौजूद है। अब ये जो ब्लड वेसल यहां पे मौजूद आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल यहां से मान लो ब्लड आ रही है, तो जो ब्लड आ रही है उसका कंसंट्रेशन कितना था, 300, तो नीचे जाएगी वो तभी सर्वाइव कर सकेगी जब इसका कंसंट्रेशन और मेडुला कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए ना। तो जो NaCl इसने निकाला उस NaCl किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड ने कर लिया, और ब्लड जब लगातार NaCl लेती जाएगी तो उसका कंसंट्रेशन एक दिन कितना पहुंच जाएगा, 1200 पहुंच जाएगा ना, शुरुआत कितने से की थी, 300 से, पहुंच कितना गया, 1200। लेकिन जब ये ब्लड वेसल वापस जाएगी तो कंसंट्रेशन कम भी तो रहा है, तो ये जो H2O इसने बाहर निकाला उसी H2O के क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब H2O को एब्जॉर्ब कर लेगी तो कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। यही तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आप पढ़ के देख लीजिए, अब आप पढ़ के देख लीजिए, आपको सारा कहानी के पता चलिए। देखो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वेसल रेक्टा एज वेल एज काउंटर करेंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम। भैया अगर ये ना लेती, अगर ये जो इसने रिमूव किया और अगर ये एब्जॉर्ब ना करता तो जो ऑस्मोलैरिटी यहां की बनी हुई थी क्या वो कभी मेंटेन होती, नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, वाटर मॉलिक्यूल इतना सारा निकल जाता कि अगर उस वाटर, अगर ये वाटर बाहर निकाल रहा है तो उससे मेडुलरी रीजन का जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट होता कि ना होता। लेकिन इस वाटर को एब्जॉर्ब किसने कर लिया, इस ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो वाटर इसने बाहर निकाला वैसा रेक्टा ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो जितना हमारे मेडुला को जरूरत थी वो मेडुला में रह गया, लेकिन बाकी जो बचा वो वेस्ट वाटर, मतलब जो बचा वो बाहर की तरफ फालतू का वाटर था, उसे ब्लड वेसल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्लियर। अब देखो, अब जो भाई इसने NaCl बाहर निकाला, अगर NaCl बहुत ज्यादा यहां पर भी निकल जाता यहां पर भी,
तो ग्रेडियंट बन ही ना पाता। तो उसी हिसाब से इसने NaCl को भी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जब इसने NaCl को एब्जॉर्ब कर लिया तो भी आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हमेशा कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, मतलब क्या आया क्या गया कुछ भी ये नहीं हुआ। फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल इन कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल इन द इनर मेडुला के अंदर हमारा इतना होता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाई NaCl एंड यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिंब ऑफ वैसा रेक्टा। ठीक है, हमने क्या किया कि इससे NaCl को जो हमने बाहर निकाला उसको हमने डिसेंडिंग, ये कौन सा डिसेंडिंग और ये क्या है असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को क्या दे दिया NaCl। NaCl इज रिटर्न इन टू द इंडस्ट्री बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा। दोबारा से जब हम लोग असेंडिंग में आए तो हमने NaCl को क्या कर दिया, बाहर रिमूव करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर टू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंडस्ट्रियल बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है ना, द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेट टू द स्पेशल अरेंजमेंट हेनले लूप एंड वैसा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। भाई जब यहाँ पे H2O अंदर आया कंसंट्रेशन का, तो NaCl को हमें बाहर भी तो भेजना है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लगातार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हमने NaCl को बाहर भी निकाल दिया, ये NaCl गया आपके मेडुलर रीजन के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन किया। तो मैं यही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो समझ, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह जुड़े रहने के लिए आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए। तब तक लिए बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो से मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमारा एक टॉपिक हर एक एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक में कॉमन होता है, आता ही आता है, और वो है उसका रेगुलेशन। हर एक फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि न्यूरल सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, हमारी हार्ट होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। तो चूंकि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, तो जिन लोगों ने अभी तक इसके सारे वीडियोस को नहीं देखा है ना, आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर समझ में नहीं आएंगी। तो जा करके प्रीवियस वीडियोस देखिए इसके पूरे के पूरे, और अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो फिर वहां पे तो आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो पुराने वीडियो को देखना कुल मिलाकर के जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वुमेन कैप्सूल के फिल्ट्रेशन के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि जो हमारी रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उन रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसका सिक्रीशन होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैंने कहा था ना आपको कि एक ग्लोमेरुलस होता है जहां फिल्ट्रेशन था, और एक आपका रेनल ट्यूब्यूल है जहां पे हमने एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में देखा था। ठीक है, अब रेनल ट्यूब्यूल क्या होता है कि कभी कभार रेनल ट्यूब्यूल उतनी तेजी से H2O को, वाटर और सॉल्ट को उतनी तेजी से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से के पास में H2O और NaCl थोड़े अमाउंट में पड़ा रहता है, मतलब उसमें ऑलरेडी पड़ा रहता है। तो वो ये चाहती है, रेनल ट्यूब्यूल ये चाहती है कि वो क्या करे कि पहला काम तो ये करे उसके, मतलब इस तरह के होने का, मतलब NaCl और H2O का रेनल ट्यूब्यूल में होने के कारण जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो फिल्ट्रेशन है, जो रीअब्जॉर्प्शन है, वो रेट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई ऑलरेडी अगर उसके अंदर पहले से कोई चीज पड़ी हुई है तो नई चीज तो नहीं आ सकती ना। जैसे ऑलरेडी ट्यूब्यूल के अंदर अगर कोई चीज है तो बाहर से फिल्टर होकर के कोई भी चीज अंदर आएगी तो ट्यूब्यूल तो ऑलरेडी फिल है, तो वो चीजों का तो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन नहीं होने वाला ना। तो इसके लिए जरूरी यह है कि पहले आपके ट्यूब्यूल का जो भी वाटर मॉलिक्यूल है और बाकी जो भी चीजें उनको क्या कराओ, रीअब्जॉर्ब कराओ। तो यही चीज आप इस वीडियो में देखेंगे कि जब तक वो चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होगी दोबारा से फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन नहीं होगा। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम जनरली ये देखते हैं कि कभी कभी हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन रेट या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ये जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कभी कभार घट जाता है, कम हो जाता है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें से एक वजह मैंने अभी आपको बताया। तो उस फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखने के लिए हमारा ब्रेन नंबर वन, हमारी किडनी नंबर टू, और हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, और हमारा बेसिकली हार्ट, ये हार्ट और किडनी और आपकी उसमें इन्वॉल्व होती हैं लीवर भी, आपकी इन्वॉल्व होती हैं लंग्स भी, ये सारी चीजें जो है आपस में मिल करके कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स को एक्टिवेट करती हैं जिनके कारण आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ब्लड का प्रेशर दोबारा से बढ़ जाए।
इस चीज को करने के लिए पूरी प्रोसीजर में आप एक पाथवे पढ़ते हैं जिसे हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे कहते हैं। अभी हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। उसके पहले आपकी जो बॉडी होती है, अब आपकी बॉडी को बहुत सारे फंक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और आप सब जानते हैं कि वेदर कंडीशंस भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन और उसको डाइयूरेट करना, इन सब चीजों पे बहुत सारे पाबंदियां लगाती है। जैसे अगर आपका गर्मी का टाइम है तो आपकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उस समय यूरिन के से जो वाटर को निकलने की जो कैपेबिलिटी है, वाटर निकलने का जो अमाउंट है वो कम होगा। बट इन द केस ऑफ विंटर, विंटर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे वाटर रिमूवल या यूरिन रिमूवल बहुत ज्यादा होगा। तो उस चीजों के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, दीस ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे ब्लड वॉल्यूम में अगर वाटर कम हो रहा है तो भी एक्टिवेट होंगे, ज्यादा हो रहा है तो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब ये आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के फ्लूइड में और आयंस में अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर एक हार्मोन्स के लिए काम करते हैं जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। दीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जनरली रेगुलेट्स आवर आवर वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड। ठीक है, जैसे कि ADH जो होता है उस ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, इसको रिलीज करने वाला कौन है? पिट्यूटरी। भाई जाहिर तौर पर पिट्यूटरी है, लेकिन पिट्यूटरी में भी ये रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन से, न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन से। और ये ADH और वैसोप्रेसिन जो होता है, ये आपके जो भी रिलीज होते हैं ये, इनका मेन काम होता है कि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेंगे। ADH हमेशा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा और डाययूरेसिस को रोकेगा। डाययूरेसिस को क्या करेगा? रोकेगा। मतलब जो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा था उसे कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? रोकेगा एंड इंक्रीज। और जब ये ऐसा करेगा तो आपके जो ब्लड है उसका जो अमाउंट है, ब्लड के अंदर जो वाटर है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? भाई अगर मैं यूरिन में वाटर को जाने से रोकूंगा, फालतू के वाटर को यूरिन से एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो इस कंडीशन में बॉडी के ब्लड का वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरी बात समझना। मैंने कहा अगर मेरे पास में ब्लड है, ब्लड में वाटर है, अगर मैं पूरे वाटर को यूरिन के फॉर्म में निकाल के फेंक दूंगा या यूरिन में दे दूंगा तो उससे मेरी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन गर्मी का सीजन है और हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमें बॉडी के वाटर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और उस एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है ADH और वैसोप्रेसिन करता है। तो एक तरफ वाटर लेवल को मेंटेन करना है और दूसरा रेगुलेशन क्या है? दूसरा रेगुलेशन है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन या फिर केमिकल की मदद से हमें अपने फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ये वाला प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया कि किस कंडीशंस में आपका जो वाटर है वो ADH एक्टिवेट होगा और किस कंडीशन। देखो नॉर्मली कंडीशन में पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम है वो है कि भाई अभी हमारा जो वाटर है, अभी हमने जो वाटर लिया हुआ है, अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वाटर का, ये वाला देखिए, अभी हमारा जो वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड है वो नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यू कि अगर मान लीजिए कि हमने ज्यादा पानी पी लिया, टू मच वाटर ड्रिंक, अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया और हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड है वो हाई हो गया। ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट क्या हो गया? हाई हो गया। हमारी ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई कि भैया देखो बहुत ज्यादा वाटर हो गया, हमको ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। तो ब्रेन जो बहुत ज्यादा ADH रिलीज कर रही थी, उस ADH की सिक्रीशन को इसने क्या कर दिया? लेस कर दिया। क्या कर दिया? लेस। तो जिस समय बॉडी के अंदर ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, वहां ADH कम। फिर क्या हुआ? जैसे ही जब बॉडी का लेस ADH हो जाएगा तो लो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय किडनी, तो उस समय किडनी ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो मैक्सिमम वाटर हम यूरिन के फॉर्म में, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में मैक्सिमम वाटर को हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गया मेरी बात कि नहीं? देखो हमने नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा पानी अगर पी लिया, नॉर्मल कंडीशन में पहले थे, फिर हमने ज्यादा पानी पिया, बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस ज्यादा हो गया। अब ब्लड क्या काम करेगी? ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगी भैया ऐसा है कि अपने पास वाटर बहुत ज्यादा है। तो ब्रेन जो ADH को रिलीज कर रही थी उसके सिक्रीशन क्या कर देगी? कम कर देगी, जिससे ऑलरेडी किडनी, जो कि ADH जो है किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन मदद करता है,
एडीएच कम हो गया तो वाटर रिजॉर्प्शन भी क्या हो गया, कम हो जाएगा, और वाटर रिजॉर्प्शन कम हो गया तो अब वो वाटर जो है यूरिन के साथ में बॉडी के बाहर निकल जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप यूरिन को एक्सक्रीट करोगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपके बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर। सॉल्ट कब ज्यादा होगा भाई? जब आपकी बॉडी में यूरिन का अमाउंट ज्यादा होगा, जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, आप पानी बहुत कम पी रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। गर्मी अलग से होती है बॉडी में, और बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है तो भैया आप जो है वाटर को वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड लो है अगर, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेन तुरंत अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस तो या पिट्यूटरी के न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन को इंफॉर्मेशन देगा कि तुम एडीएच और वैसोप्रेसिन रिलीज करो, और तब ब्रेन एडीएच को रिलीज करती है, और जिससे जो रेनल टिब्यूल है उसके अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन बढ़ने का यूरिन कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड हो जाता है, उतने अमाउंट में यूरिन को बाहर नहीं निकालता। तो गर्मियों में हमें यूरिनेशन कम होती है और ठंडियों के अंदर में यूरिनेशन ज्यादा होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन ब्लड वाटर वॉल्यूम इन इनसाइड द ब्लड। तो ये बात आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। अब दूसरा केस जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केस है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सब एग्जाम में आने वाली चीज। देखो मैंने कहा कि आपका मेनली बोवेन कैप्सूल के पास में ब्लड बहुत तेजी प्रेशर के साथ में आती है, बहुत तेजी प्रेशर के साथ में आती है, और फिल्ट्रेशन के लिए बोवेन कैप्सूल की कैपिलरीज में जाती है और ब्लड फिल्टर होता है, राइट? मतलब ब्लड का इतनी तेजी से आना ये भी कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी है फिल्ट्रेशन के लिए। अगर फिल्ट्रेशन होना है तो अफरेंट एट्रियोल से ब्लड बहुत तेजी से आना चाहिए, ठीक? लेकिन क्या हो अगर ये ब्लड इतनी तेजी से ना आए, और ये ब्लड तेजी से तभी नहीं आएगा जब आपके रेनल टिब्यूल के अंदर ऑलरेडी वाटर और सॉल्ट पड़ा होगा। क्योंकि जब भाई हम खाना कब ज्यादा खाएंगे, जब अंदर मेरे भूख होगी, ऑलरेडी अगर हम खाना खाए हुए तो भैया हम कहां से खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। द सेम एग्जाम्पल यहां पे अप्लाई करिए, रेनल टिब्यूल जहां रीअब्सॉर्प्शन वगैरह हो रहा है वहां ऑलरेडी वाटर और सॉल्ट, मतलब वो जगह खाली नहीं है, अभी वो भरी हुई है। तो ऑलरेडी अगर वो जगह भरी हुई है तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेगी, आपकी बॉड आपकी रेनल आपकी जो किडनी है जो नेफ्रॉन है वो वाटर को बहुत तेजी से नहीं ले पाएगी, ब्लड वेसल्स उतनी तेजी से नहीं आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही जीएफआर कम होता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, ड्रॉप इन बॉडी ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, अगर ये सारी चीजें आपके ग्लोमेरुलस और ब्रोमेन कैप्सूल रीजन में हुई, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी किडनी जो होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन किडनी रिलीज करी, और ये जो जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, जो कि आपके डीसीटी रीजन के पास में होती हैं और बोमेन कैप्सूल के पास होती है, वहां से रेनिन रिलीज होना शुरू होता है। और जब रेनिन रिलीज होता है ना, तो रेनिन जब रिलीज होता है तो रेनिन रिलीज होने के बाद में वहां पे एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करना पड़ता है। रेनिन जो है किसके ऊपर अटैक करता है? एंजियोटेंसिनोजन, क्योंकि हमें एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करना है, और एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें एंजियोटेंसिन स्टार्ट में किस फॉर्म में होता है? एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म में, और उसको रिलीज कौन कर रहा है? इसको रिलीज कर रही है आपकी लीवर। कौन कर रहा है? लीवर। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, रेनिन रिलीज किया किडनी, लेकिन रेनिन से फंक्शन पर रेनिन फंक्शन को शुरू करता है, लेकिन उसके ऊपर इंपैक्ट दूसरा कोई डालेगा, और जो दूसरा डालेगा वो कहां से रिलीज हो रहा है? वो हो रहा है आपके लीवर से। किससे रिलीज हो रहा है? लीवर से। तो लीवर में एंजियोटेंसिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है एंजियोटेंसिनोजन के फॉर्म में। तो रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एक्टिवेट रिएक्शन किया और उसने बना लिया एंजियोटेंसिन 1, ठीक। दीज एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया लंग्स में, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो लंग से रिलीज हुआ और एंजियोटेंसिन 1 और ACE मिलकर के आपस में ये बना लिए एंजियोटेंसिन 2। अब दीज एंजियोटेंसिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी फॉर इंक्रीजिंग GFR वैल्यू, इट मींस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इट मींस GFR को बढ़ाना है तो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा, जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ उसको बढ़ाना पड़ेगा, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करो भैया, ब्लड वेसल में तो आराम से ब्लड आ रही ना, तो आप ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा लोगे? ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर क्या कर दो? छोटा कर दो। हार्ट रेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। बस यही तो काम ये कर रहे हैं। एंजियोटेंसिन 2 गया सबसे पहले आपके किडनी के ऊपर मौजूद
किसके पास में? सबसे पहले किडनी के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड पास गया। वहां से बोला भैया ऐसा करो तुम एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। और जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ ना, तो एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने से आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया नंबर वन, और एंजियोटेंसिन टू ही आगे गया। दो फंक्शन क्या, एक तो क्या एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट किया, इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नंबर वन, क्योंकि इसने एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और एल्डोस्टेरोन रिलीज किया जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नंबर वन। और एंजियोटेंसिन टू का एक और काम है, इसने जो ब्लड वेसल आप देख रहे हो इसके एरिया को क्या कर दिया, अंदर वाले एरिया को नैरो कर दिया। लुक एट दिस, यहाँ पे एरिया ब्रॉड है लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हो गया, नैरो हो गया। और नैरो होने के कारण ऑलरेडी भाई पाइप मोटी है तो प्रेशर बहुत हल्का होगा, पाइप पतली जाएगी प्रेशर का, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो दो काम किया एंजियोटेंसिन ने, एक काम हुआ क्या एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि एल्डोस्टेरोन रिलीज कर सके और वो जाकर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके, और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देना, ब्लड वेसल के साइज को, ल्यूमेन को थोड़ा छोटा कर देना। ऐसा करने से क्या हुआ कि किडनी टू स्टिमुलेट रिएजॉर्प्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। और तीसरा काम इसका होता है वो ये होता है कि एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनी के पास जाता है और वो रेनल टिब्यूल के अंदर जो भी NaCl और H2O पड़ा है उसके रिएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये वाला फंक्शन आपको बेसिकली समझते रहना है जो कि आपको यहां काम देने वाला है। फिर से बता दे रहा हूं, रेनिन रिलीज होता है सबसे पहले आपके किडनी से, क्योंकि एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन टू को एक्टिवेट करने के लिए रेनिन का शुरू होना, सिक्रीट होना जरूरी है। तो रेनिन पहले रिलीज हुआ किडनी के उस रीजन से, GFR रीजन से, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर लो है, उसने जो है एंजियोटेंसिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन 1 का, उसको एक्टिवेट किया, फिर एंजियोटेंसिन बना। एंजियोटेंसिनोजन निकलता है लीवर से और फिर एंजियोटेंसिन 1 और ACE मिल करके एक नया आपके फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। नाउ दिस एंजियोटेंसिन है वेरियस रोल। पहला काम है कि जाएगा एड्रेनल ग्लैंड पास, एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा जिससे NaCl और H2O का एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, और इसका दूसरा काम यह है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दोबारा से GFR लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो ये है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, और आपको पहला वाला बताया ऑस्मोरेगुलेशन वाला, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।